अस्सलामुअलैकुम जी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। तो जी, क्या चल रहा है आप सबकी लाइफ में? और आपको नज़र आ रहा है कि मैं यहाँ पर रेडी हुई हुई हूँ। और बस जी, आज का ये प्लान है, आज का ये व्लॉग है कि आज है मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी और अब बस हम रेडी हो चुके हैं। शाम का टाइम है और मेरा को भी मैंने तैयार कर दिया और अब हम बस निकलेंगे। और आगे का जो है ये प्लान है कि बस मैं अभी रास्ते से केक लेती हुई जाऊंगी और मम्मा पापा को देना है सरप्राइज़। तो आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं और चल कर दिखाते हैं। हाय, इधर इधर, हेलो, मेरा को देखो, मेरा को देखो, मेरा भी तैयार हो गई है। हाय, जी तो अभी हम आ चुके थे यहाँ पर केक लेने के लिए और डिसाइड कर रहे थे कौन सा केक लूँ। आज मैंने सोचा कि मैं स्वाद बेकरी से केक लेती हूँ, वैसे इसकी न्यू ओपनिंग हुई थी तो अभी तक यहाँ पर आना नहीं हुआ। और मुझे जो है ना फरजान बेकरी की चीज़ें ज़्यादा पसंद है, केक वहाँ का ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस मैं सोच रही थी कोई ऐसी चीज़ हो और फिर यहाँ से मैं केक लेकर जाऊँ और टेस्ट करूँ। तो बस आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी तो हमने सोचा कि हम स्वाद बेकर से ही केक ले लेते हैं और ट्राई करते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। यहाँ पर जी कुल्फियाँ वगैरह भी रखी हुई थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी और मैंने सोचा कि यहाँ से मैं कुल्फियाँ भी ले लूँ। और साथ साथ आज सोचा कि अंदर का थोड़ा सा रिव्यू भी दे दूँ कि स्वाद बेकरी जो न्यू करेंगी ब्रांच में ओपन की है इन्होंने, वो अंदर से कैसी है। तो जी यहाँ पर देखें, तमाम स्वीट कह लें, डेजर्ट और केक वगैरह बहुत बहुत मतलब बहुत खूबसूरत लग रहे थे। बहुत ज़्यादा अमाउंट में इन्होंने चीज़ें रखी हुई थी, केक वगैरह भी। और इस तरह देखें इतनी खूबसूरत सी बेकरी यहाँ पर बनाई है, आगे भी इसकी ब्रांच और यहाँ करेंगी। मे भी न्यू ओपनिंग हुई है बट हमारा आना नहीं हुआ था, हम अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए। हमने सोचा कि आज हम यहाँ से केक लेकर ट्राई करते हैं कि इनके केक का टेस्ट कैसा है। वैसे मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगा, हमने यहाँ से ब्लैक फॉरेस्ट केक लिया था और मैंने जमजम से भी ब्लैक फॉरेस्ट ट्राई किया है, बट जो फरजान के केक की बात होती है वो तो अलग ही है। लेकिन बस ये कि अपना अपना टेस्ट होता है, सबकी अपनी मतलब टेस्ट होती है ना, हर किसी को अपने टेस्ट के जो है ना चीज़ें अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर जी कुल्फ़ी फ़्लेवर डिसाइड कर रही थी, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, क्रंच है, मैंगो है और पिस्ता है। तो मैंने कहा जी आप मैंगो ही बना दें क्योंकि मैंगो सीज़न चल रहा है, तो आप मैंगो पे ही मुझे जो है ना फालूदा बनाकर दे दें। और बस आज सोचा कि यहाँ से फालूदा भी ट्राई करते हैं। और ये डेज़र्ट वगैरह तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे, डेज़र्ट वगैरह कैसे हैं यहाँ के नहीं पता, बट सिर्फ केक ट्राई किया है और वो बस ठीक था। तो ये है जी वो स्वाद बेकरी, कुल्फ़ी अच्छी थी, अगर आप ट्राई करें तो कुल्फ़ी ट्राई कर सकते हैं। क्या हुआ मामा, क्या है?
अस्सलाम वालेकुम, ये एनिवर्सरी के लिए। ओ शिट, हमारे जहन में नहीं रहा थे, हमने तो कुछ लिखवाया नहीं हैप्पी एनिवर्सरी वगैरह। पता नहीं कैसे ऐसा हुआ कि मेरे माइंड में ही नहीं रहा बिल्कुल भी कि हम एनिवर्सरी लिखवाएं यहाँ पर। हालांकि नॉर्मली हम जब भी लेने जाते हैं केक, अगर विदाउट किसी के घर हमें लेकर जाना हो, हम किसी की बर्थडे के लिए लेते हैं या फिर हम किसी के एनिवर्सरी के लिए लेते हैं, तो लाजमी इस पर लिखवाते हैं। बट पता नहीं मैं कैसे भूल गई, बिल्कुल मैं आई थिंक मैं कुल्फ़ी साइड पर चली गई और कुल्फ़ी बनवाने लगी, तो बिल्कुल मेरे माइंड में नहीं रहा। माचिस लाई हूँ मैं, ये मिर्हा, किसी ने केक नहीं दिया तुम्हें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, पता नहीं जल्दी जल्दी में मैं भूल गई क्या किया है मैंने, ये टॉपर बना के लगा दिया था। शायद मैं भूल गई थी बिल्कुल भी, और हमने थोड़ी सी मीनाकारी भी करी है। तो ये क्या हरकत है तुम्हारी, ये क्या हरकत है, चॉकलेट से ढा उठा कर डाल रही हो। तो ये थी जी आज की सेलिब्रेशन, छोटी छोटी सी खुशियाँ ज़रूर सेलिब्रेट किया करें। आप सब भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।